नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एनवायरनमेंट का पार्ट नंबर हो जाएगा अपना 17। ठीक है, पार्ट नंबर कौन सा रहने वाला है, भी पार्ट नंबर हो जाएगा 17। इससे पहले के 16 पार्ट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन देखिएगा, आपको प्लेयरशिप का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हो, या फिर हमारी साइट www.paperhacker.in पर भी आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट आज के क्वेश्चन की ओर। और जिस किसी को नोट्स डाउनलोड करना है वह भी कहां करेगा, www.paperhacker.in पर हमारी साइट है, वहीं पर आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत 6 पर पहली विश्व कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको बताना है कहां पर हुई थी और कब हुई थी। पहले देखा है बियना 1985, दिल्ली 1990, या फिर स्टॉकहोम 1971, या बेंगलुरु 1975। राइट आंसर हमारा क्या होगा, बात करते हैं ओजोन परत 6 पर पहली विश्व कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी वियना में। कहां पर हुई थी, वियना में हुई थी 1985। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, निवास करती है, मैं आपको बताना है, भारत, चीन, अफगानिस्तान या फिर अमेरिका। तो इसका तो आपको सभी को पता होगा वह कौन सा हो जाएगा भाई, चीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, चीन हो जाएगा अपना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड नंबर पर कौन सा है, सेकंड नंबर पर हो जाता है अपना भारत, थर्ड नंबर पर हो जाएगा अपना यूएस। ठीक है, इस प्रकार से गलता हो चले जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रखा है तुम्हारा कि परतीय क्षण पर कारण है, जो प्रतीय क्षण है उसका क्या कारण है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा यहां पर कटा हुआ है, कोई बात नहीं, प्रतीय क्षण का कारण है कौन सा, हवा, भारी वर्षा, ग्लेशियर या फिर तेज बहती नदियां। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल फटाफट आंसर जी का देखा है, प्रतीय क्षण का कारण है वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा अपनी भारी वर्षा। राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वैश्विक ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है, जो वैश्विक ताप वृद्धि होती है एवं जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या होता है, भाई आपको बताना है, ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर निर्वनीकरण, रासायनिक खादों का प्रयोग या फिर आणविक कचरा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो वैश्विक ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या होता है, वह अपना हो जाएगा अपना कौन सा, निर्वनीकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। आगे बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषित नगर कौन सा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रदूषित नगर कौन सा है, इलाहाबाद, ग्वालियर, चंडीगढ़ या फिर अपना हो जाता है कानपुर, कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित नगर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अपना कानपुर। राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक क्षेत्र की आपदा विविधता को संरक्षित करने के लिए कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है, तो एक क्षेत्र की जो पादप विविधता होती है उसको सुरक्षित रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, जीव मंडल रिजर्व, वनस्पति उद्यान, सीड बैंक, उर्वरक संवर्धन। राइट आंसर कौन सा होगा भाई आपको बताना है, पादप विविधता की बात हो रही है, किसकी, पादप विविधता को संरक्षित रखने के लिए प्रभावी तरीका कौन सा है, तो वह हो जाएगा वनस्पति उद्यान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण है, जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उसका क्या कारण है आपको बताना है, जनसंख्या वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि या फिर औद्योगिक प्रगति या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, कौन सा रहने वाला भी, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि रहने वाली है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैविक विविधता में, जैविक विविधता के लिए मुख्य खतरा है, जो जैविक विविधता है उसके लिए मुख्य खतरा कौन सा है, मैं आपको बताना है, भूस्खलन, वन अग्नि या फिर अपना हो जाता है वासस्थान हानि, प्रदूषण। राइट आंसर क्या होगा, जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा कौन सा है, तो वह हो जाएगा कौन सा, प्रदूषण भाई, प्रदूषण जो है वो जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सरसों का जो तेल होता है के लिए इसका अपमिश्रण होता है, सरसों के तेल में इसका अपमिश्रण होता है, किसका अपमिश्रण होता है वह आपको यहां पर बताना है। दे रखा है पपीता के बीज या भड़भांड के बीज, पीला रंग, इनमें से कोई नहीं। तो सरसों के तेल में इसका अपमिश्रण होता है, किसका होता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, भड़भांड का हो जाता है, किसका, भड़भांड का मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखा है डैश भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है, या फिर किस राज्य में भूमि खिसकना
सामान्य है या भूस्खलन की यहां पर बात हो रही है। तो राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम या फिर उत्तराखंड। तो डैश भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य अथवा किस राज्य में भूमि खिसकना सामान्य है, तो वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा अपना उत्तराखंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ज्वालामुखी से जारी SO2 गैस इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है, तो जो SO2 गैस है वो किसके लिए जिम्मेदार है यह आपको बताना है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ओजोन परत रिक्तिकरण के लिए, जैव विविधता कमी के लिए, या फिर हो जाता है वैश्विक शीतलन के लिए। राइट आंसर हमें बताना है कौन सा होगा, बताइएगा फटाफट राइट आंसर क्या होगा। तो बात करते हैं भूवैज्ञानिक के अनुसार ज्वालामुखी से जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, निकलती है गैस के लिए, किसके लिए जिम्मेदार है, ये हो जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यातायात से संबंधित आपदा है, जो यातायात है उससे संबंधित आपदा आपको बताना है कौन से हो जाती है, रेल दुर्घटनाएं, अपराध, आग या फिर हड़ताल। राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यातायात से संबंधित जो आपदा है वो कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी अपनी हड़ताल, क्योंकि यातायात को रोकने के लिए क्या होती है, हड़ताल वगैरह चली जाती है, ये आपदा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, मैं आपको बताना है, पहली गंगा, राप्ती, गंडक या फिर ब्रह्मपुत्र। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है, मैं आपको बताना है इनमें से। अगर यमुना होती तो यमुना हो जाती, और यहां पर यमुना नहीं दे रखी है तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, भी गंगा हो जाएगी। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, वह हो जाएगी अपनी गंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दे रखा है ग्रीन मफलर, जो ग्रीन मफलर है का प्रयोग किस प्रदूषण के बचाव के लिए किया जाता है, ग्रीन मफलर का प्रयोग किस प्रदूषण के बचाव के लिए किया जाता है, जल, वायु, ध्वनि या फिर मृदा प्रदूषण। राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ग्रीन मफलर जो है इसका प्रयोग प्रदूषण बचाव के लिए किया जाता है, वह हो जाता है अपना वायु। कौन सा हो जाएगा भाई, वह अपना हो जाएगा वायु। राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, रिपीट क्वेश्चन हो जाता है भाई, द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है। सल्फर डाइऑक्साइड अपने आप में एकल प्रदूषण है, SO2, CO2 है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक गैस है, और उसी प्रकार से हो जाती है O3, ये भी एक गैस है। द्वितीय प्रदूषक की बात करते हैं तो वो कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है कार्बन मोनोसल्फाइड है ना, बिल्कुल यही हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फर मोनोऑक्साइड होगी, ठीक है, सल्फर मोनोऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। यहां दे रखा है तुम्हारा सलमस को किस नाम से पुकारा जाता है, जो सलमस है उसे किस नाम से पुकारते हैं, यह आपको बताना है। घर, झुग्गी झोपड़ी, स्मारक या फिर अविकसित क्षेत्र। राइट आंसर क्या होगा। तो सलमस जो है उसको किस नाम से पुकारते हैं, सेकंड नाम इसका कौन सा है, तो वो जाएगी झुग्गी झोपड़ी। राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धरती पर ओजोन के घटने से क्या हानि होगी, धरती पर ओजोन के घटने से क्या हानि होगी आपको बताना है। धरती का औसत तापमान बढ़ेगा, वायुमंडल का ऑक्सीजन कम होगा, धरती पर यूवी या फिर अल्ट्रावायलेट जो होती हैं रेडिएशन बढ़ेगा, या फिर सागर का जो लेवल है वो बढ़ेगा। राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। धरती पर ओजोन के घटने से क्या हानि होगी, तो वह हो जाती हैं धरती पर यूवी रेज जो होती हैं उनका रेडिएशन बढ़ेगा। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा। गिरी हुई पत्तियों से उत्पन्न ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो क्या होता है आपको बताना है, ड्रिफ्ट या फिर डेन्यूडेशन, डेट्राइट्स या फिर डिकम्पोजर। राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। गिरी हुई पत्तियों से उत्पन्न जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे क्या कहते हैं, डीकंपोजर कहते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धूम्रपान अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है आपको बताना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वह कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, CO को क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ही कहते हैं, निलंबित कण। तो बताना है धूम्रपान अधिक मात्रा में उत्पन्न
होने का जो कारण है वो क्या है, वो है निलंबित कण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है, जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, किससे नियंत्रित कर सकते हैं आपको बताना है। सीवेज ट्रीटमेंट द्वारा, विद्युत चालित जो शिवारी वाहन होते हैं उनके द्वारा, या फिर ग्रीन रसायन अपनाकर, या फिर ये सभी कर। तो यहां पर बताना है कौन सा राइट होगा। तो प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है सीवेज ट्रीटमेंट के द्वारा भी, कह सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट हो रहा है उसके द्वारा भी, थोड़ा छाला है इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, विद्युत चालित जो सवारी वाहन होते हैं उसके द्वारा भी, और ग्रीन रसायन जो अपनारक होते हैं उसके द्वारा भी। तो यहां पर जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। आगे बढ़ते हैं, समाज में महिलाओं की खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति का कारण है वह कौन सा है आपको बताना है। शिक्षा का अभाव, कुपोषण, अनियंत जनसंख्या, ए और बी दोनों राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। तो समाज में महिलाओं की खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण क्या हो जाता है, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, शिक्षा का अभाव भी हो जाता है और कुपोषण भी हो जाता है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संकटग्रस्त जाति नामांकित हैं, जो भारत की जो संकटग्रस्त जाति हैं वो किसमें नामांकित हैं आपको बताना है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 2000 में, या फिर वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में, वन्य संरक्षण एक्ट 1980 में, भारतीय वन एक्ट 1982 में। तो बताना है भारत में संकटग्रस्त जाति नामांकित हैं किसमें है, वह आपको बताना है। थोड़ा समय आपको दिया जाएगा, यहां पर क्वेश्चन सोचने वाला है, तो बिल्कुल आपने निकाल लिया होगा। तय बह हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना हो जाता है। नेक्स्ट रखा है, तेजाबी वर्षा के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। जो तेजाबी वर्षा है उसके लिए कौन उत्तरदायी है आपको बताना है। मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या फिर ध्वनि प्रदूषण, राइट आंसर क्या होगा। तो तेजाबी वर्षा के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है, तो वह कौन होगा, यह आपको फटाफट कमेंट में लिखना है। देखो तेजाबी वर्षा क्यों होगी, वह होगी जब वायु में प्रदूषण होगा तब, है ना, क्योंकि मिलेगा कब, जब बारिश होगी, जब क्षोभ मंडल में बूंद आएगी, है ना, तो क्या वायु प्रदूषण मिलकर ही तेजाब की वर्षा होगी। तो यहां पर वायु प्रदूषण यहां पर राइट रहने वाला है भाई, अच्छे प्रकार से आपको याद भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मरुस्थलीकरण प्रक्रिया कौन सी है। जो मरुस्थलीकरण प्रक्रिया है वह आपको बताना है। वन्य भूमि का निर्माण, बंजर भूमि का निर्माण, तटीय भूमि का निर्माण, या फिर एस्टरीज का निर्माण, राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। निम्नलिखित में से मरुस्थलीकरण प्रक्रिया कौन सी है, तो वह कौन सी है यह आपको बताना है। तो मरुस्थलीकरण जो प्रक्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी बंजर भूमि का निर्माण, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, मनुष्यों के द्वारा वन्य जीवों के विलुप्तिकरण का मुख्य कारण है। अगर मनुष्यों के द्वारा की बात हो रही, मनुष्यों के द्वारा वन्य जीवों के विलुप्तिकरण का मुख्य कारण क्या है आपको बताना है। खेलने के लिए शिविर, भोजन के लिए शिकार, पोस्ट और प्रेडिटर रोकथाम, या फिर इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर क्या होगा। तो मनुष्यों के द्वारा वन्य जीवों के विलुप्तिकरण का मुख्य कारण जो हो जाएगा वह हो जाएगा भोजन के लिए शिकार करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस क्षेत्र में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो सबसे कम किस क्षेत्र में है आपको बताना है। तो आपको छेद बताना है कि ओजोन परत में छेद कहाँ हो चुका है, तो वो हो चुका है अंटार्कटिका में। कहाँ पर, अंटार्कटिका में छेद हो चुका है। मगर ये कह रहा है कम मोटाई कहाँ पर है, कम मोटाई कहाँ पर है, तो वो हो जाएगी अपनी अटलांटिक में, ठीक है, अटलांटिक क्षेत्र में हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, यहाँ पर दो क्वेश्चन कंफ्यूज आपको करने वाले हैं कि किस क्षेत्र में ओजोन परत की मोटाई कम है, तो वह हो जाएगी अटलांटिक क्षेत्र में। अगर वही पूछ ले किस क्षेत्र में आपका छेद हो चुका है, होल हो चुका है ओजोन परत में, तो वो हो जाएगी अंटार्कटिका में, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यह देखा है असम का जो काजीरंगा और मानस है वह एक है, क्या है। प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र, जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र, रासायन राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र, वन्य जीव अभयारण्य, राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। असम का काजीरंगा एवं मानस है एक, क्या है ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन,
वन्य जीव पहाड़ होगा, जैव मंडल स्वच्छित होगा, प्रसिद्ध राष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्र होगा, या फिर राष्ट्रीय उद्यान होगा। तो ये दोनों के दोनों क्या है, राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। काजीरंगा में एक सिंग वाला गेंडा होता है। आगे बढ़ते हैं, यहां रखा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ताजमहल को प्रभावित करती है। तो ताजमहल को प्रभावित कौन सी करेगी भी आपको बताना है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, NO2SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। दोनों के दोनों क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा करते हैं और ताजमहल पर इफेक्ट डालते हैं, है ना। जो पुराने जो हमारे हो जाते हैं तीर्थ स्थल, उन पर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो यहां दे रखा है तुम्हारा निम्नलिखित में से कौन गैस ताजमहल को प्रभावित करेगी। तो SO2 भी दे रखा है, पैन, Cl2 और NO2। यहां पर देखो नाइट्रस ऑक्साइड भी रखा है और सल्फर डाइऑक्साइड भी रखा है। तो आप कहां जाओगे, तो आप जाओगे SO2 की ओर, क्योंकि SO2 कहां है, सबसे पहले दे रखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, डी नहीं होगा, पहले ए होगा। अगर दोनों होता तो दोनों राइट हो जाता। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनजाति की संख्या है। तो जनजाति सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, जहां पर सबसे ज्यादा वन होंगे। तो सबसे ज्यादा वन कहां पर है ये आपको बताना है, और वहीं पर क्या होगी, सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती होंगी। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम या फिर नागालैंड। तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, फटाफट आंसर दीजिएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी थी, कोई बात नहीं, बड़ा करना चाहिए था। देखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनजाति की संख्या है, तो वह कहां हो जाएगी भाई, मध्य प्रदेश में हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर अपना ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की सर्वाधिक जनजाति आबादी है, जो सर्वाधिक जनजाति आबादी है वह आपको बताना है। पहला देखा है संथाल, भील, मुंडा या फिर नागा। तो राइट आंसर बताना है कौन सा होगा, भारत की सर्वाधिक जनजाति आबादी है तो वह कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी अपनी भील। राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर्वाधिक भूतापन करने वाली हरित गृह गैस है। सर्वाधिक भूतापन करने वाली हरित गृह गैस कौन सी है आपको बताना है, N2O, CO, CO2, O2। तो राइट आंसर कौन सा होगा वह आपको बताना है। तो बात करते हैं भूतापन, देखो सर्वाधिक भूतापन करने वाली हरित ग्रह हरित गैस कौन सी है, जो हमारी हो जाती है भूमि का ताप बढ़ाती है, वह कौन सी गैस होती है, यह आपसे पूछ रखा है डायरेक्टली। तो NO2 होगी, O2 होगी, या CO होगी, O2 होगी, CO2 होगी। तो यहां पर जो भूतापन करने वाली जो हरित ग्रह गैस हो जाती है वह हो जाती है अपनी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व जल संकट का मुख्य कारक है, जो विश्व जल संकट होता है उसका मुख्य कारक क्या है आपको बताना है, बांध, बाढ़, सूखा या फिर बढ़ती जनसंख्या। तो राइट आंसर बताना है कौन सा होगा, विश्व जल संकट का मुख्य कारण कौन सा होगा, वह अपना हो जाएगा सूखा, क्योंकि जल संकट कब देखने को मिलेगा, जब सूखा पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां रखा है कौन सा मृदा सुधारक है। तो मृदा सुधारक कौन सा है आपको बताना है, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, DAP या फिर सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा मृदा सुधारक है यह बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा मृदा सुधारक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो वह अपना हो जाएगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या करता है, मृदा को सुधारता है, उसकी उर्वरता बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां रखा है निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में सिंह पाए जाते हैं। तो सिंह शेर कहां पाए जाते हैं आपको बताना है, गिरवन में, पेरियार, बांदीपुर या फिर राजाजी पार्क में। राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में सिंह पाए जाते हैं। तो वह पाए जाते हैं कहां पर, गिरवन, गुजरात में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खाद्यान्न विधा है, जो खाद्यान्न है वह विधा है रेशम कीट जो कीड़ा होता है उसका पालन के लिए, पशुपालन के लिए, बड़े पैमाने पर कृषि के लिए या फिर फल फूल उगाने के लिए। जो उद्यान विधा है वह क्या है, या रेशम कीड़ा पालन है, बिल्कुल नहीं, ना ही पशुपालन, ना ही बड़े पैमाने पर कृषि पालन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा फल फूल उगाना, ठीक है, रेशम, सेरिकल्चर। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण को सर्वाधिक हानि होती है, जो पर्यावरण है उसको सर्वाधिक हानि होती है पशु चारण से, कृषि से, यातायात से या फिर उद्योग से। तो पर्यावरण को सर्वाधिक हानि किससे होती है वह आपको यहां पर बताना है। तो पर्यावरण की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक हानि किससे होती है, वह होती है भारी उद्योगों से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वायु प्रदूषण का कारण है, वायु प्रदूषण का कारण कौन सा है। दे रखा है कीटनाशक,
शोर, धुआं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा, वायु प्रदूषण का कारण है। कीटनाशक है, बिल्कुल नहीं। शोर है, बिल्कुल नहीं। धुआं है, बिल्कुल सही। धुआं जो हो जाता है वो वायु प्रदूषण का कारण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडलीय गैसों में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बताना है कितना होता है। तो O2 का परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है, 21% होता है, आपको पता ही है। नाइट्रोजन का कितना होता है, NO2, वो होता है 78%। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, वह होता है 0.04%। यही बात करते हैं कि भूमि की भूपरपटी में, भूपरपटी भी कह सकते हैं, ठीक है, भूपरपटी में, भूपरपटी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो वह होती है 46.60%। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे के सारे, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो वायुमंडलीय गैसों में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होगा, तो वह हो जाएगा 21%। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दे रखा है तुम्हारा पंधरा, जो पंधारा होती है, पानी की धारा की बात हो रही है, पंधारा प्रबंधन सफलतापूर्वक बचा सकता है, किसको बचा सकता है, आपको बताना है। मैदानों में बाढ़ को, वन विनाश को, जल ऊर्जा संहास को, या फिर जल उत्पन्न रोगों को। राइट आंसर क्या होगा, पंधारा प्रबंधन सफलतापूर्वक बचा सकता है, किसको बचा सकता है, आपको बताना है। तो किसका बचाएगा भाई, अगर पानी का प्रबंधन कर लोगे तो किससे बचा सकता है भाई, मैदानों की बाढ़ से, है ना, मैदानों की बाढ़ से, क्योंकि वहां पर पानी प्रबंधन होगा तो वहां पर क्या करेंगे, पानी इकट्ठा हो जाएगा, बाढ़ नहीं आएगी। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैदानों में बाढ़ को, इसीलिए वहां पर जो बांध वगैरह बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि पानी को रोककर कुछ कृषि में उत्पन्न कार्य किया जाए और धीरे धीरे बांधों के द्वारा जो पानी होता है पहाड़ का, उसे धीरे धीरे छोड़ा जाए, ठीक है, जो कि भूपर्द में देखने को ना मिले। आगे बढ़ते हैं, अतिवृष्टि से होने वाली प्राकृतिक आपदा को कहते हैं, बाढ़, सूखा, अपर्दन, अपक्षय। देखो अतिवृष्टि क्या होती है, अत्यधिक वर्षा के लिए कहते हैं अतिवृष्टि। तो अत्यधिक वर्षा होने, अधिक अगर अत्यधिक वर्षा हो रही है तो प्राकृतिक आपदा को कहते हैं, क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बाढ़, है ना, क्या कहेंगे भाई, बाढ़ कहेंगे ना, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व की सबसे खतरनाक नाभिकीय दुर्घटना 1986 में हुई थी, कहाँ हुई थी ये बताना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बात करते हैं विश्व की सबसे खतरनाक नाभिकीय दुर्घटना जो 1986 में हुई थी, वह कहाँ हुई थी, थ्री मिल आइलैंड USA में, या फिर चेर्नोबिल भूतपूर्व USAR में, भोपाल भारत में, या फिर अपनी हो जाती है विंडस्केल UK में, तो कौन सा बिल्कुल राइट होगा, यूनाइटेड किंगडम में। तो विश्व का जो सबसे खतरनाक नाभिकीय दुर्घटना 1986 में हुई थी, वह कहां हुई थी, वो हुई थी चेर्नोबिल भूतपूर्व USAR में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है वह किस राज्य में स्थित है, वो सबसे पुराना नेशनल पार्क हो जाता है, आपको बताना है उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, या फिर मध्य प्रदेश। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहां पर स्थित है, वह अपनी हो जाएगी उत्तराखंड में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मृदा उर्वरकता नष्ट होती है, जो मृदा उर्वरकता है वह नष्ट होती है उर्वरक के अतिशय प्रयोग से, मिश्रित खेती से, झूम खेती से, हरी खाद से, राइट आंसर क्या होगा वह आपको बताना है। तो मृदा उर्वरकता नष्ट होती है, जो मृदा उर्वरकता है वह नष्ट होती है, किससे नष्ट होती है वह आपको बताना है। तो यह होती है उर्वरक के अति क्षय प्रयोग से, अब आप उर्वरक का अति मतलब ज्यादा प्रयोग कर रहे हो तो उर्वरकता जो होगी वह नष्ट हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का परिणाम क्या होगा, तो अगर पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रही तो उसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा, हिम का पिघलना, समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि होगी, सागर तटीय भागों का जलमग्न हो जा, या फिर उपयुक्त सभी, राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि पर परिणाम क्या होगा। तो आपको पता है जो हमारा ग्रीन इफेक्ट है वो बढ़ता जा रहा है ना, CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, कुछ मात्रा में बढ़ रही है, पहले 3 थी, अब कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है। तो कह सकते हैं पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का परिणाम तो आप देख ही रहे हैं, वृद्धि तो बढ़ी रही है, तो आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, हिम का पिघलना,
जो हिम पहाड़ हैं उनका पिघलना होता है, भूस्खलन ज़्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और समुद्र में जल का स्तर बढ़ रहा है। ठीक है, आपको पता है समुद्र में जल का स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कुछ द्वीप डूब चुके हैं, है ना, कुछ द्वीप जो हैं वो डूब चुके हैं और कुछ कगार पे हैं। और बात करते हैं सागरीय तट भागों का जलमग्न भी हो रहा है, सागर को तट हैं उनका जल स्तर भी बढ़ रहा है, तो उपयुक्त तो सभी देखने को मिल भी रहे हैं, और इसी प्रकार से अगर चलते रहे तो हमारी भूमि जो होगी एक दिन पानी ही पानी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था वह कब शुरू हुआ था, 1975, 1976, 1973, 1974। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो ये जो हो जाता है वो हो जाता है 1973 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, भारत में वर्षा जल संचय पर अपने किए गए कार्य के लिए प्रचलित तो रूप से वाटरमैन कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटरमैन किसे कहा जाता है, जिन्होंने कह सकते हैं जो घर होते हैं उनके ऊपर एक ऐसी बाउंड्री बनाना कहा था इन्होंने कि उस प्रकार से वर्षा को जल को संचय करना है और उसे यूज में लाना है। ठीक है, कि बारिश हो तो अपने छतों पर इस प्रकार से इसके डिज़ाइन बनाइएगा छतों के, जो कि पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने संचय के लिए कहा था, तो इनको एक नाम दिया गया था वाटरमैन। किसको वाटरमैन दिया गया था ये आपको बताना है, S.L. बहुगोड़ा, राजेंद्र सिंह को, मेनका गांधी को, स्वामीनाथन को। तो देखो नाम में छुपा हुआ है, बारिश की बात कर रहे हैं, बारिश का संचय, बारिश कौन करवाते हैं, कौन से देवता हैं, इंद्र। तो यहां पर इंद्र किस में देखने को मिलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र, है ना, देखने को मिला है राजेंद्र, इंद्र देखने को मिला यहां पर, तो बिल्कुल यही हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में वर्षा जल संचय अपने किए गए कार्य के लिए प्रचलित रूप से वाटरमैन किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, वन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित आपको बताना है, कानपुर में, भोपाल में, झांसी में, इंदौर में, राइट आंसर क्या होगा। तो जो वन प्रशिक्षण संस्थान है वो कहां हो जाता है, वो जाएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में जल वाष्प ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है, वायु में जल वाष्प है वो ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है, धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, न्यूट्रल रूप से, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर क्या होगा। वायु में जल वाष्प ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धनात्मक रूप से प्रभावित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अगर कह दे क्वेश्चन वायु में जो जल वर्षा है वो ग्लोबल वार्मिंग को किस रूप से प्रभावित करती है, तो धनात्मक रूप से प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं, यहां दे रखा है इनका प्रयोग घटाने की सलाह दी जाती है, खरपतवार नाशक, कीटनाशक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इनका प्रयोग घटाने की सलाह दी जाती है, तो वह राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, खरपतवार नाशक के लिए और कीटनाशक के लिए भी कहते हैं इसकी कम सलाह, मतलब कम यूज इसका कीजिएगा। बात करते हैं पटाखों के प्रयोग से इस क्षेत्र में इस श्रेणी का प्रदूषण होता है, शोर, वायु, जल, निम्नलिखित में से कोई नहीं, अगर पटाखे का प्रयोग होता है तो किस प्रकार का आपको प्रदूषण देखने को मिलेगा, शोर होगा बिल्कुल सही, वायु प्रदूषण होगा बिल्कुल सही, जल प्रदूषण भी होगा, क्या होगा, जल प्रदूषण भी होगा, क्योंकि बहाव के द्वारा जो पटाखों की राख वगैरह है कुछ जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या करेंगे, जल को प्रदूषित करेंगे, तो यहां पर उपयुक्त में से कोई दो इसीलिए दे रखा है। ठीक है, तो हम जाएंगे कहां, ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे, उपयुक्त में से कोई दो, तो यहाँ पर हमारे जो 50 क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, छाला भी था और कुछ तबीयत भी खराब थी, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी स्लोली यहाँ पर वीडियो बनाई गई है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, तो फ्रेंड मैं इतना ही कहूँगा कि बेल आइकन को प्रेस जरूर करके जाना। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत सभी के लिए।